कल शहर में हुई पहली ही बारिश में प्रशासन की लापरवाही सामने आ गई। शहर के विभिन्न इलाकों में कई होर्डिंग्स गिर पड़े तो कई पेड़ गिरने की खबरें भी सामने आई। शहर के डांडिया बाजार इलाके में एक पुराने मकान की दीवार भी गिर पड़ी। हालांकि इन सभी में किसी के हताहत होने की खबर तो नहीं है, लेकिन ये सब जो हुआ उसके चलते प्रशासन की लापरवाही तो साफ देखी जा सकती है। इसके चलते आज शहर की नगर सेविका जागृति काका की ओर से इस मामले जल्द से जल्द पालिका की ओर से कार्यवाही की जाने की बात कही गई। साथ ही जागृति काका ने शियाबाग मेन रोड पर गिरे हुए एक पेड़ को खुद ही हटाकर बाकी के पेड़ों पर भी जल्द ही कार्यवाही की जाएगी इस मामले में जानकारी दी। साथ ही जागृति काका ने यह भी बताया है कि जिस मकान की दीवार गिर पड़ी है उस मकान के मालिक को भी नोटिस दिया जा चुका है और अन्य कुछ जर्जरित मकानों को गिराने की कवायद भी पालिका की ओर से जल्द ही शुरू की जाएगी। आज सवार थी हूँ गई काले जे बदा झाड़ पड़ा था ए रात्र ज फायर ब्रिगेड में पार्थ भाई ने जाण करता तात्कालिक फायर ब्रिगेड आई अने बदाज झाड़ की कामगिरी हमने करी। आज बदा झाड़ हटावा माटे मंगेश भाई जयसवाल साथ बात करी है एमने पण टीम विस्तार में मोकली दीधी है अने लकड़ीपुर पास जे एक मकान गई काले धराशय दीवाल थी थी एना स्थल निरीक्षण माटे हूँ अधिकारियों ने लईने बतावा माटे गई थी तो आज त्यांथी हूँ अहीं सियाबाग मेन रोड पर थी निकलती थी तो एक जड़ गई काले अहीं पड़ू थूँ एना लीधे रस्तो आखो ब्लॉक थी गयो हतो तो ये जड़ मैं हटावी दीधुं छे अने हमणां वोर्डमां અધિકારીઓને કીધું છે તો એ આવીને આ બધું હટલાઈ ભરી જશે ના ચોક્કસ કોર્પોરેશનની સુરેશભાઈ અને પંડિતભાઈ બંને મારી સાથે જ છે સવારથી અને એ લોકો જે મકાનો જર્જરિત છે એ બધાને નોટિસ આપવાનું કહી દીધું છે। એક મકાન મેં તો એક વર્ષથી કોર્પોરેશને નોટિસ આપી છે પણ જે ઉપર ભાડુઆત રહે છે એ ભાડુઆત ખાલી નથી કરતા એના લીધે એ મકાન ઉતરી શકતું નથી। अब खबरों से लगातार अपडेट રહેના હુઆ આસાન બીઆરજી ન્યૂઝ આપકે મોબાઈલ સ્ક્રીન પર। आज ही BRG News की मोबाइल ऐप Google Play Store और App Store से डाउनलोड करें और खबरों से लगातार जुड़े रहें।